बरसात के दिनों में हमीरपुर शहर में भवनों की छत से गिरने वाले पानी से सड़कें और रास्ते टूट रहे हैं, जिसके चलते ही नगर परिषद ने करीब एक दर्जन रिहायशी मकान मालिकों को नोटिस देकर चेताया है कि अगर जल्द बहुमंजिला भवनों से पानी के लिए डाउन पाइपें नहीं लगाई तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। खासकर बरसात के दिनों में तो छतों से गिरने वाले पानी से सड़कें टूट जाती हैं, जिससे मरम्मत का खर्चा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि हमीरपुर शहर में कई दर्जनों ऐसे रिहायशी भवन हैं जहां पर छतों से डाउन पाइपें नहीं लगाए जाने से जरा भी बारिश होने पर सारा पानी सड़कों पर गिरता है और इस कारण सड़कें टूट जाती हैं। अगर हमीरपुर बाजार में ही नजर दौड़ाई जाए तो कई जगहों पर इतनी ऊंचाई से पानी गिरने से सड़क टूटी हुई नजर आएगी। इसी समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद हमीरपुर ने अब लोगों को नोटिस निकाल कर चेताया है। ईओ हमीरपुर सतीश ठाकुर ने बताया कि भवनों के ऊपर से पानी गिरने वाले लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों से 2 से 5 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा। हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 3 के बाशिंदे नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वार्ड के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर पिछले 10 सालों से गंदे पानी की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि प्रताप नगर के बीचों बीच रास्ते पर बारिश के पानी की समस्या झेल रहे बाशिंदे नगर परिषद से लेकर जिला प्रशासन से भी गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन समस्या जैसी की तैसी ही बनी हुई है। रास्ते की समस्या के चलते कई लोग अपनी बाजू तुड़वा चुके हैं तो कई जख्मी भी हो गए हैं। शायद प्रशासन अब किसी बड़ी घटना के इंतजार में है, जिस कारण लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। हालत ऐसी बनी हुई है कि बाढ़ के बीचों बीच जाने वाले रास्ते पर एक जगह पर 50 मीटर लंबी सड़क तक पानी जमा होता है और निकासी नहीं होने के कारण पानी महीनों तक जमा रहता है। वहीं जरा सी बारिश होने पर भी 2 से 2.5 फीट तक गंदा पानी जमा होने से पैदल आवाजाही तो मुश्किलों भरी रहती है। वहीं दोपहिया वाहन चालक तो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो बड़े वाहनों के लिए भी जोखिम भरा रास्ता बन जाता है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों लोग वार्ड नंबर 3 प्रताप गली बल कनाल अनुकला और मोही के लिए गुजरते हैं, लेकिन समस्या को लेकर नगर परिषद को दर्जनों बार भी बताने पर अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्णी की नींद सोए हुए हैं। स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि पिछले 10 सालों से इस जगह पर गंदे पानी की समस्या बरकरार है, लेकिन नगर परिषद ने समस्या को दूर करने की जहमत नहीं उठाई है, जिस कारण आए दिन लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि अभी तो बरसात शुरू हुई है, लेकिन बरसात के दिनों में तो छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी समस्या बन जाएगी। विपिन सिंह ने बताया कि पानी की निकासी ना होने से दिक्कत बनी हुई है और दोपहिया वाहन गुजारते समय भी गिरने का खतरा बना रहता है। वहीं अबनी ने बताया कि रोज इसी रास्ते से आवाजाही करती है, लेकिन बीच रास्ते पर गंदा पानी जमा रहने से भारी परेशानी होती है। एडवोकेट रोहित ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में गंदा पानी जमा होने की समस्या कई सालों से बनी है और सभी को भारी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि जल्द इस समस्या को नगर परिषद को दूर किया जाना चाहिए। बुजुर्ग प्रेम कुमार गुप्ता ने बताया कि बीच रास्ते में गंदा पानी का तालाब बने रहने से समस्या पेश आती है और कुछ दिन पहले ही पत्नी के गिरने से बाजू टूट गई थी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द रास्ते की समस्या का हल होना चाहिए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों के लिए पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ में नवरात्र में ज्वालामुखी मंदिर में बाहर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं ने लाइनों में ज्वाला माँ की ज्योतियों के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में 50 CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। ज्वालामुखी शहर में नवरात्रों के दौरान 144 धारा लागू की गई है, जिससे पूरे मंदिर परिसर और शहर में नजर रखी जा रही है। श्रवण अष्टमी नवरात्रों में पुलिस प्रशासन की तरफ से
150 पुलिस व होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी 1 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेंगे। इन नवरात्रों में मंदिर ने सीनियर सिटीजन, अपंग व प्रेग्नेंट लेडीज को दर्शन करवाने के लिए विशेष सुविधा की गई है। इन नवरात्रों में 7वें नवरात्रे तक लाखों श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग दर्शनों के लिए 150 पुलिस, होमगार्ड व सिक्योरिटी गार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। इन नवरात्रों में लगभग 50 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इन नवरात्रों में सीनियर सिटीजन, अपंग व प्रेग्नेंट लेडीज को ज्वाला माँ के दर्शनों के लिए विशेष सुविधा की गई है। इस संदर्भ में DSP तिलकराज ने कहा कि नवरात्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रों में ज्वाला माता के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से नारियल मंदिर से बाहर मां के चरणों पर चढ़ाए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के 2 मेटल डिटेक्टरों से गुजरकर उन्हें मंदिर में भेजा जा रहा है और पुलिस जवानों के पास हेड हैंडल मेटल डिटेक्टर भी दिए गए हैं, जिससे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली जा सके और उसे पकड़ा जा सके। इन नवरात्रों में पुलिस प्रशासन ने 150 पुलिस व होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगे और पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो सके। इन नवरात्रों में 50 CCTV कैमरों से भी पूरे मंदिर परिसर व पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। श्रावण अष्टमी मेलों को लेकर हमारे पुलिस के और होमगार्ड के 150 जवान जो पूरी ज्वालामुखी शक्तिपीठ के आसपास तैनात है और अंदर भी तैनात हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने के लिए आ रहे हैं उनको DFMD और HHMD से चेक करके अंदर भेजा जा रहा है, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके। और नारियल को जो सुरक्षा की दृष्टि से हम बाहर ही रखवा रहे हैं, ताकि नारियल अंदर ना जा सके। और इसके अलावा 50 हमारे CCTV कैमराज यहाँ लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर हमारी नज़र है और लाइनों में भी हमारे जो पेट्रोलिंग पे लोग लगे हैं, लाइनें भी लगवा रहे हैं। हमारी लाइनें अब अष्टमी के लिए काफ़ी लंबी लाइनें लग रही हैं। इसके अलावा आज तक कोई लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करके जा चुके हैं, ऐसी कोई परेशानी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सामने नहीं आई।